कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके शो का विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है। अक्सर किसी न किसी बात से ये शो चर्चा में रहता ही है। ऐसे ही एक बार कपिल शर्मा और उनके शो पर एक ऐसी शख्सियत ने निशाना साधा था जिसे टेलीविजन का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। दरअसल सब टीवी का मशहूर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने कपिल और उनके शो पर हमला बोला था। एक इंटरव्यू में जब शैलेश से पूछा गया था कि आप अपने देश के लिए क्या करते हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैं टीवी पर कोई ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से मुझे मेरी बेटी को ये कहना पड़े कि वो धारावाहिक मत देखना। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा बनकर बहुत गौरवान्वित हूँ, लेकिन अब टेलीविजन पर बहुत फुहड़ता है। आजकल टेलीविजन पर बेहद अश्लीलता दर्शकों को परोसी जाती है। शैलेश ने कपिल शर्मा शो का नाम लिए बिना कहा कि मुझे शर्म आती है कि आज टीवी देखकर एक दादी जो हर किसी को चूमना चाहती है, एक बुआ जो शादी के लिए मरी जा रही है, एक मर्द जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे शो में काम करता हूँ जहाँ एक बेटा हर बात में अपने पिता के पांव छूता है और पोता अपने दादा का सम्मान करता है। मैं उस शो में काम करता हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन हर किसी की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। हालांकि शैलेश के इस हमले पर कपिल को बेहद दुख हुआ होगा।